आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। पेशेंट आपकी क्या लगती है? पेशेंट हमारी जो मदर इन लॉ है उनकी माँ है। अच्छा, माता जी हैं जी, विद्या देवी नाम है। कहाँ रहने वाले, कहाँ के हैं? वो रहने वाले बरेली के हैं, बरेली में रहती हैं वो जो पेशेंट हैं। पेशेंट बरेली के हैं, बरेली यूपी। हाँ जी, हाँ जी। उनकी उम्र 78 है। हाँ जी जी, ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने बताया। हाँ, जी डॉक्टर ने इलाज करने के बाद में फिर बोल दिया कि अब इनको घर ले जाइए और अब इनकी सेवा पानी कीजिए। 10 दिन 15 दिन 1 महीना ऊपर वाले जब तक। हाँ बस इतने दिन के। हाँ हाँ। मेरे पास आने से पहले पेशेंट को क्या क्या तकलीफ थी? आपके पास आने से पहले तकलीफें बहुत सारी थी उनको। वोमिटिंग उनके कंटिन्यू होती थी। जब जब उनको वोमिटिंग होती थी तब तक हॉस्पिटल लेके भागते थे उनको। पहले महीने में होती थी, फिर 15 दिन में होने लगी, फिर हफ्ते में होने लगी। तो हर बार हॉस्पिटल में एडमिट रखते थे ऐसे ही। और उसके बाद में चलती फिरती थी, धीरे धीरे करके बिल्कुल चलना फिरना उनका बिल्कुल बंद हो गया। मेरे पास आए थे जब तो बिस्तर पे थी। हाँ बिल्कुल बिस्तर पे थी जब आपके पास में आया। और खाना नहीं खाती थी। हाँ। बहुत कम डाइट थी, बहुत कम डाइट। और पहले एलोपैथिक दवाई चली, होम्योपैथिक दवाई चली। अच्छा। और काफी टाइम उसके बाद में पतंजलि की भी दवाई चलाई। अच्छा अच्छा। और लास्ट में आपके पास आया और उनके सर में दर्द रहता था। एक पता था हाथ उठता नहीं था, हाथ नहीं उठता था, पैर काम नहीं करते थे, पैर काम नहीं करते थे, वॉकर से लेके चलते थे। अच्छा। या फिर हाँ, या फिर मैं गोदी में उठा के लेके, मतलब इस तरीके से। अप्रोक्सीमेट आपको 20 दिन हुए ना? जी। 20 दिन में आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट लगा? वॉइस टोन है, पहले एकदम दबी दबी रहती थी उसमें सुधार आया, वॉल्यूम बढ़ गई है, खाने पीने की जो मात्रा है पहले से अब ठीक है। और जो वोमिटिंग की समस्या थी वो हमें नहीं लगता कि अब वोमिटिंग आएगी। सबसे ज्यादा परेशानी वही थी, उसी को लेकर हम परेशान थे। रेस्ट नहीं हो पाती थी, हफ्ते लग जाते थे, 10 दिन भी हो जाते थे। तो उनको मेडिसिन वगैरह के थ्रू डॉक्टर नए नए तरीके बताते थे उनको फ्रेश कराने के लिए। पेट बिल्कुल साफ। हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत ज्यादा समस्या, उसमें डर लगता था हमें। अब फ्रेश भी वो कंटिन्यू हो रही है। अच्छा अच्छा। सिर में दर्द? सिर में दर्द भी नहीं है अब। और पहले सहारा पूर फुल सपोर्ट हमें लगाना पड़ता था बैठा करने। हाँ, अब वो खुद से ही अब अपने आप बैठ जाती है। अपने आप बैठ जाती है। अब धीरे धीरे उनके अंदर ये चाह है कि मतलब मैं इतना सुधार आ गया तो मैं चलूंगी। हाँ। आपने जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट कराया था कितने पैसे लगा दिए थे आपने? करीब करीब 2 से 2.5 लाख रुपए लग गए थे ट्रीटमेंट में। जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से जब हाथ खड़े कर दिए तो ये वीडियो चल रही है 18-18 दिन की, 20-20 दिन की, कितनी सच्चाई है? आपको लगा कि ठीक हो जाएगा पेशेंट आपका? एक्चुअली मेरी मिसेज का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आपको वहाँ जाना है, हरियाणा और रेवाड़ी जाना है। मैंने कहा वहाँ क्या है? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमने वीडियो देखी है और बहुत टाइम से हम वीडियो देख रहे हैं और आपको वहाँ से दवाई लेके आनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं जहाँ बोलते हो वहाँ जाता हूँ, जहाँ जहाँ बोलते हो, जो जो बोलते हो करने के लिए वो मैं करता हूँ, वहाँ भी जाऊँगा। जब मैंने यहाँ आके देखा तो सारी जो दवाइयों को देख के, मतलब हॉस्पिटल नहीं था, कुछ भी नहीं था, आ भी गया लेकिन लगा के हाँ दवाइयों को देख के, मतलब हाँ सब कुछ देसी दवाइयां हैं, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नुकसान करने वाली कोई दवाइयां नहीं है। फोन पे भी आपकी बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा सुधार आ गया। मैं तो कह रहा था आप टेस्ट करा लो और इनका चेकअप करा लो, MRI करवा लो और मैं रिपोर्ट लेके जाता हूँ, मुझे लग रहा है अब ठीक हो गया सब कुछ। देखो आज इस टेस्ट को लेकर भी एक शंका मेरे मन में रहती है, जिसको डॉक्टर मना कर देंगे उसको मैं लूंगा, इसका क्या मतलब बनता है? आप मेरी जगह मान लो डॉक्टर हो भी, आप ही मान लो जी, आप ऐसे पेशेंट को लोगे जिसको डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए? अपने ऊपर तो दाग लगाने वाली बात होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरे को समझ में आया कि जो पहले बार मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आप तो नहीं ठीक हो पाओगे, आपकी 1.5 महीने बाद डेथ है, उस टाइम मैं ठीक हुआ था, तब मेरे को लगा, फिर दूसरा हुआ, फिर अब तो लगने लगा कि वाकई में एक ऐसा विज्ञान हमें हाथ लगा है और वो भी गौमूत्र का। जी मैंने आपके पेशेंट की कोई गारंटी ली थी कि मैं ठीक कर दूंगा जी आपको? नहीं। और मैंने कभी आपको बोला था कि मैं 18 दिन में 20 दिन में ठीक कर दूंगा? नहीं, ऐसा भी नहीं आपने कहा। आगे कैंसर ना हो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है। मन में आती है ना कि कैंसर है क्या? कहते हैं गुटखा बीड़ी तंबाकू से कैंसर होता है। अरे जिसने जिंदगी में छुआ भी नहीं उसको किसने किया? तो मैंने आपको बताया जी। तो कैंसर को लेकर अब डरे नहीं। सही बात, अब तो आपको समझ में आया जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बैठा कर ये क्लियर किया, अब कैंसर के नाम से डर खत्म। डरा कर लूटना यही हुआ। देखो आयुर्वेद में भी कई लोग ये कर रहे हैं, कैंसर का नाम लेकर ये सारा ड्रामा चल रहा है। आपने इतना पैसा लगाया, मैंने आपसे कितना ले लिया सर? कोई ज्यादा पैसे नहीं, 8,000 रुपए समथिंग के दवाई। आप
करते रहिए, ऐसे ही लोगों को ठीक करते रहिए, लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, लोगों का भला करते जाइए, कहने वाले तो कहते रहते हैं। ठीक है सर, नमस्कार।